भैया गाड़ी आ रही, थोड़ा सोच। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज हमने खानपुरा की तरफ से दौरे की तरफ आने वाली रोड पर, जो मुख्य रोड है डेयरी के नए प्लांट के पीछे, उस पर जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर के तीसरी मरतबा आज हमने दौरे ग्राम पंचायत दौरे के लेटर पेड पर ज्ञापन दिया है। और हम इससे पहले कलेक्टर साहब को, नगर निगम आयुक्त साहब को, एडी आयुक्त साहब को, सबको जाकर के अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी इसकी सुनवाई कोई कर नहीं रहा है। जहां हम स्वच्छ भारत की बातें करते हैं, साफ सफाई की बातें करते हैं, कोरोना का डर और ये सब बातें करते हैं, और वहां अगर आप हालत देखेंगे, मैं पूरे वादे के साथ आपको फिर से ये कह सकता हूं कि अजमेर जिले के 60 वार्ड में सबसे दयनीय स्थिति अगर कोई होगी तो वार्ड नंबर 25 नगर निगम की वहां पर है। अब उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वो जगह ग्राम पंचायत दौरे के अंडर में आती नहीं है। अगर वो आती तो हम सरपंच साहब से बात करके उसका जो भी निवारण करवा सकते थे वो करवाते। इसके साथ साथ हम सरस डेयरी के अंदर चेयरमैन साहब को भी अवगत करा के आए कि आपका नया प्लांट बन रहा है, इस पानी की निकासी कहाँ हो सकती है, उसके समाधान कौन बताएगा हमको, हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। पब्लिक त्रस्त है, वहाँ जो आता जाता है कि इतनी डेड बॉडी है, वहाँ से निकल नहीं पा रही है, दूसरा रास्ता चेंज करके उनको जाना पड़ रहा है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं बनी जाती तो किस तरह का, अभी पूरे क्षेत्रवासी, हम मेरे साथ में वार्ड कंचनगर वार्ड पंच साहब भी मेरे साथ में आए, और भी क्षेत्रवासी हमारे साथ में आए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए उनको उधर खड़ा कराए, और हम सबके अंदर बहुत ही आक्रोश है, क्योंकि आने वाली बारिश के अंदर वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है। कोई गर्भवती महिला कल उनका वहाँ पर गिर गए, वहाँ से वो निकल नहीं सकते हैं इस कंडीशन के अंदर भी। अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं, अभी लॉकडाउन के अंदर अगर हमें इस चीज़ का उल्लंघन करते हुए 150 लोगों के साथ में यहाँ आकर के प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। हम परेशान हो गए, हम दुखी हो गए, हम जाएँ किसके पास जाएँ, हमें महसूस हो रहा है कि हम देश का हिस्सा नहीं, कहीं और का बाहर का हिस्सा है क्या, उस पानी कोई सुनवाई कर नहीं रहा। मेरा नाम रवि गुजर है, ग्राम दौरई से। गाड़ी आ रही, थोड़ा सोच, भैया जल्दी खड़े हो जाओ, अंदर दिखता है।